हेलो। सो थोड़े अपने चैनल पर तुहाडा सारिआं दा फिर तो बहुत बहुत स्वागत है। इस तो पहला आपां कंप्यूटर दे विच की पढ़ चुके, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की हुंदा है अते इनपुट डिवाइसिस कीड़िया कीड़िया हुंदिया ने। मैं थोनू फिर कह रहा, जब तक मैं हैगा किसी ने भी कंप्यूटर दे विच इन्नी कु भी फिक्र नहीं करनी कि उहदा कंप्यूटर च की बणू। मेरे हिसाब नाल चली चलियो, थोनू ए तो लैके जैड तक सारा कुछ मैं कराऊंगा। इस तो बाद आपां कुछ कंप्यूटर दे इस वीडियो तो बाद MCQ लैके आवांगे, ताकि थोड़ी तैयारी उस तरीके नाल हो सके कि थोड़ा पेपर दे विच ऐना पता लगे कि MCQ किवें अटैम्प्ट करना। ठीक है, इतने मैं थ्योरी करवा रहा, बट MCQ किदां दा होगा, उहदे ऑप्शन किस किस तरह दे आंदे ने, इस तो बाद आपां एक वीडियो उहदे उत्ते भी लैके आवांगे। मेरा नाम है अमित, तुसीं सानूं थले डिस्क्रिप्शन दे विच लिंक दे विच फॉलो कर सकते हो। सो सब तो पहला अज जो लैक्चर रहेगा, अपना लैक्चर किहदे उत्ते रहेगा जी? आउटपुट डिवाइसिस दे उत्ते। आउट का मतलब क्यों है? बाहर आना। तो इतों थोड़ा की पता लग गया आउटपुट का मतलब की है? जो कंप्यूटर या CPU आपको दिता उन्होंने की कहने आप आउटपुट। ठीक है, आउटपुट की होंगी है, आउटपुट की डेफिनेशन की होंगी है, अपने को आउटपुट डिवाइसिस होंगे ने, वो सारा आप इस वीडियो के चर्चा करा। सो सब तो पहला अपने को आता है, सो सब तो पहला अपने को आता है आउटपुट डिवाइसिस की होंगे ने। आउटपुट डिवाइसिस, द डिवाइसिस दैट शो इनफॉर्मेशन इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइसिस। मैं पिछली वीडियो में थोड़ा बहुत चंगे तरीके दस के गया कि जे अपने को अपने को प्रोसैसर है। ठीक है, ये अपने को है प्रोसैसर है, ये इनपुट लैंदा है, की लैंदा है? इनपुट असैप्ट करता है तो दिता की है ये आउटपुट आप दिता, की दिता? आउटपुट दिता, तो लैंदा की है? इनपुट लैंदा। तो जो इनपुट लैंदा एक किस फॉर्म के लैंदा? डाटा दे विच। ते दिंदा की है आपां नूं? इनफॉर्मेशन। पेपर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि इनफॉर्मेशन ते डाटा जे की फर्क है? डाटा अपना इनपुट हुंदा ते इनफॉर्मेशन अपनी आउटपुट हुंदी है। जो आपां डाटा नूं अरेंज कर दिंदे आ उहनूं आपां की कहिंदे आ? इनफॉर्मेशन। सो आउटपुट की हुंदी है? जो आपां नूं आउटपुट डिवाइसिस ओह हुंदियां ने जो आपां नूं आउटपुट शो करदियां ने या दिखांदियां ने। अगला की है? आउटपुट कैन बी सॉफ्ट फॉर्म एंड हार्ड फॉर्म। आउटपुट किसी भी तरीके की हो सकती है, हार्ड फॉर्म तो सॉफ्ट फॉर्म। जिवें हुण मैं कहां प्रिंटर थोड़ा पेज कट के दिता, हूँ टच कर सकते हो ना, हार्ड है वो, तो हम टच कर सकते हो, की हो गया थोड़े को हार्ड फॉर्म। सॉफ्ट फॉर्म की होगी जी, थोड़ा जिम्मे स्क्रीन के उत्ते दिखती तो है बट तुम टच नहीं कर सकते, उन्होंने आप कहने सॉफ्ट फॉर्म कह दें। सो अगे अपने को आता है डिवाइसिस। डिवाइसिस का एक होर नाम लिख लो, इनू पेरीफेरल भी कह देंगे। की कह देंगे जी? इनू पेरीफेरल। कई बार बच्चा कन्फ्यूज हो जाता कि पेरीफेरल की होंगे सर, तो डिवाइसिस ही की कह देंगे? डिवाइसिस ही पेरीफेरल कह देंगे ने। ओके, सब तो पहला अपने को आता है मोनीटर, उस तो बाद प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजैक्टर, स्पीकर, ईयरफोन, ईयर तो हैडफोन। ये एक होर चीज़ होगी ईयर बट, की होंगी है क्या होंगी, थोड़ा बहुत आप जानकारी प्राप्त करेंगे। जे मैं थोनों कह कि आउटपुट डिवाइस के पेपर सब तो ज़्यादा कितों आता है, तो पेपर आता है मोनीटर, प्रिंटर तो अपना प्लॉटर के। प्लॉटर के एक अद्धा क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर अपने को कितों आते हैं? मोनीटर तो प्रिंटर के क्वेश्चन आते हैं, तो यह भर भर के क्वेश्चन आते हैं, आप सारे एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, आह चीज़ बहुत जरूरी है जी के डिवाइसिस या पेरीफेरल। डिवाइस नूं की कहिंदे ने? पेरीफेरल भी कहिंदे ने। जो भी आप कंप्यूटर से CPU जुड़ रहे, यह भी CPU जुड़ता है, अपने को प्रिंटर भी CPU जुड़ता है, प्लॉटर वगैरह सारा कि जुड़ते हैं? अपने CPU जुड़ते हैं। जिहड़ियां भी चीज़ा CPU जुड़ते हैं उन्होंने आप कह दें? पेरीफेरल्स कह दें। सो सब तो पहला अपनी आउटपुट डिवाइस केड़ी है जी? मोनीटर। सब तो पहली अपने का आउटपुट डिवाइस केड़ी है? मोनीटर। इनवेंटेड बाय कार्ल ब्राउन। पेपर का पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के मोनीटर किदे द्वारा इनवेंट किया गया, किदे द्वारा बनाया गया, तो वो कौन सी? कार्ल ब्राउन। इट इज़ आल्सो कॉल्ड VDU। पेपर के VDU की फुल फॉर्म आती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यह दूजा नाम की है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। एक क्वेश्चन होर आता है VGA, कि VGA की होंगे? तो VGA एक पोर्ट होंगी है। पोर्ट का मतलब की है? तुम जो पेन ड्राइव पाने या चार्जर लगाने हो, एक पोर्ट के पाने ना, जिदे भी उस चीज़ में पाने उन्होंने आप कहने पोर्ट। तो पेपर से आता है कि मोनीटर के पिछे केड़ी पोर्ट लगी होंगी है, तो वो केड़ी पोर्ट होंगी है जी? VGA पोर्ट। तो VGA की फुल फॉर्म क्यों होंगी है? जे मैं कह वीडियो ग्राफिक एरे, तो VGA की फुल फॉर्म क्यों होंगी है? वीडियोग्राफिक एरे। जो तुम इंटरनेट के उत्ते सर्च जरूर करके देखो VGA पोर्ट कह जी होंगी है, थोड़ी जी ए चौड़ी पोर्ट होंगी है, नॉर्मल पोर्ट ना, इतने की लगे होंगे ने दो नट लगे होंगे। ठीक है, इतने अपने को पोर्ट होंगी है, उन्होंने आप कहने VGA पोर्ट। तो पेपर चाहता है VGA की फुल फॉर्म क्यों होंगी है? वीडियोग्राफिक एरे। ठीक है जी, 24 FPS। FPS क्यों होंगे? फ्रेम्स पर सैकेंड, फ्रेम्स पर सेकेंड। ठीक है, फ्रेम्स पर
सैकेंड। जे मैं कहाँ 24 FPS, 24 FPS का मतलब की है कि मोनीटर के एक सेकेंड के अखा मूर की किनिया फोटो लंघदिया ने 24, तो फोटो ने ही एक तरीके टैक्निकल टर्म से की कहा गया फ्रेम्स, तो एक सेकेंड के अखा मूर के 24 फ्रेम जाते हैं, तो थोड़ा पता नहीं लगता एक फ्रेम तो बाद दूजा फ्रेम आ गया, तो करके उन्होंने की कह दें यह वीडियो है। एक्चुअल वीडियो नहीं होंगी, वो की होंगी अपने को फोटो ही मूव कर रही होंगी, एक फोटो तो दूजी फोटो के अपन जो चेंजिंग हो रही है ट्रांजिशन हो रही है वह पता नहीं लगता, क्लीयर जी। तो जे पेपर के आज किन्ने FPS से होंगी है, FPS की फुल फॉर्म की फ्रेम पर सैकेंड, किन्ने FPS होंगे ने अपने कोई भी स्क्रीन के उत्ते जो वीडियो देख रहे हो तो वह 24 FPS होंगे ने, क्लीयर जी। रेजोल्यूशन इज द टोटल नंबर ऑफ काउंट ऑफ पिक्सल इन एन डिजिटल इमेज। हूँ एक छोटी जी चीज़ समझ लो, जे कोई आ स्क्रीन है, पहली गल तो यह पेपर से आता है कि अपने को स्क्रीन कहो जी होंगी है लैंडस्केप की पोर्ट्रेट, तो अपने को नॉर्मली स्क्रीन कहो जी होंगी है लैंडस्केप, इनू की कहने जी आप लैंड स्केप कह दें, जे आप इस तरीके देखा लैंडस्केप कहते हैं। जिम्मे रील्स वगैरह बनाने आ रील बना रील किस दे होंगी है इदा होंगी ना रील, तो रील किमें होंगी पोर्ट्रेट, रील किमें होंगी पोर्ट्रेट, क्लीयर है जी। सो रील किमें होंगी पोर्ट्रेट, पर अपना मोनीटर देखो तुम देखोगे मोनीटर किस तरीके होंगे लंबे लोट होंगे, तो लंबे लोट को की कहने आप लैंडस्केप। तो ये जे मैं एक छोटे छोटे बिंदुओं की गल करा, इस बिंदु आप कहने पिक्सल, इस जे बिंदु ने इनू आप कह दें पिक्सल, पर जे मैं कह ये कट्ठे बिंदु इन्हों अड लै लो, तो जे थले ने अड लै लो, तो आपस के मल्टीप्लाई करा दो, एक मोटा मोटा मैं तुम्हें दस देना उन्होंने आप कहने रेजोल्यूशन भी। जे ये देखो जिम्मे मैं कह कि ये छोटे छोटे बिंदु ने यह की कहलाते हैं पिक्सल, ये सारे कट्ठे हो गए इस तरीके थले, ये सारे की हो गए कट्ठे हो गए, तो उन्होंने मल्टीप्लाई कराता तो अपने को बन जाता है जिम्मे 1080 से 1920 ने रेजोल्यूशन ने भी ये किन्ने पिक्सल ने, 1080 किमें लोट ने अपने को एस लोट 1080 ने, एस लोट किमें ने 1920 अपने को पिक्सल ने, क्लीयर है। ये फर्क होंदा किहदे विच पिक्सल ते रेजोल्यूशन दे विच, मतलब पिक्सल तो मिलकर की बनता है रेजोल्यूशन बनता है। अगे आ रैक्टेंगुलर, रैक्टेंगुलर का मतलब क्या, देखो रैक्टेंगल का मतलब आ होंदा ना जिम्मे आ सर्कल होंदा आ की होंदा रैक्टेंगल, तो मोनीटर की शेप कह जी होंगी है रैक्टेंगुलर शेप की होंगी है। इमेजिस डिपेंड ऑन पिक्सल, पिक्सल का मतलब की है जे एक फोटो के पिक्सल ज़्यादा होंगे, जे एक फोटो के पिक्सल ज़्यादा होंगे तो उन्होंने आप कहे भी वो क्वालिटी बहुत वधिया है, जे पिक्सल घट हो तो आप कहे उस फोटो की क्वालिटी बहुत डाउन है। जे मैं कह अपने को एक HD होंगे, HD शब्द, HD की फुल फॉर्म क्यों दी हाई डेफिनेशन, कई बार छोटे छोटे पेपर से पूछी गई है हाई डेफिनेशन, HD की फुल फॉर्म क्यों दी हाई डेफिनेशन। तो जे मैं गल करा भी एक होंगे HQ, एक होंगे अपने को HQ, तो HQ की फुल फॉर्म क्यों दी है हाई क्वालिटी, HQ की फुल फॉर्म क्यों दी है हाई क्वालिटी, क्लीयर है। अगे अपने को CRT टैक्नोलॉजी, जिहड़े तुम कहते ढिड वाले, जिहड़े आप पहले कहते हैं ढिड वाले TV, वो कि टैक्नोलॉजी के काम करते हैं CRT टैक्नोलॉजी के उत्ते काम करते हैं। जे मैं कह जिम्मे आ देखो कुछ कुछ यह जे होंगे होंगे सी ना जो आगे उन्होंने आप कहते CRT टैक्नोलॉजी, इतों एक इलैक्ट्रीकल बीम जाती सी इलैक्ट्रीकल बीम, हाँ जी, तो वह की करती सी इतों अपनी लेजर छड़ती सी इहदे उत्ते जाती सी आपां TV देखता सीगा, ठीक है। सो इत्थे केड़ी स्क्रीन होंदी सी फॉसफोरस स्क्रीन, पेपर चे कदे कदे आ जांदा वी केड़ी स्क्रीन होंदी सी फॉसफोरस स्क्रीन होंदी सी, ठीक है जी। फॉसफोरस स्क्रीन दे उत्ते जिहड़ी बीम सी टच करदी सी आपां नूं की दिखदी सी फोटो दिखती सी, ओके। सो इहनूं की कहिंदे सी आपां पहलां दी टैक्नोलॉजी नूं की कहिंदे सी आपां CRT टैक्नोलॉजी, अजकल कहिड़ियां आ गईआं फ्लैट पैनल डिस्पले, अजकल FPD आ गईआं फ्लैट पैनल डिस्पले। ये अपने को दो एग्जाम्पल ने बहुत इंपोर्टेंट पेपर से, इन्हों की जी फुल फॉर्म है एब्रीवेशन है बहुत जरूरी है LCD से LED, LCD की है लिक्विड क्रिस्टल डिस्पले, तो LED की है लाइट एमिटिंग डायट। अजकल LCD भी घट हो गई ज़्यादातर की आने लग गई अपने को LED आने लग गया पेपर से, यहाँ मैं बार बार कह रहा फुल फॉर्म यदि बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट अपने को आता है LCD से LED एक बहुत मेजर डिफरेंस की है, देखो जी LED है वो कि चीज़ पर काम करती है एमिसिव डिस्पले की होंगी है दैट कन्वर्ट इलैक्ट्रीकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी, जी इलैक्ट्रीकल एनर्जी डायरैक्टली लाइट एनर्जी के कन्वर्ट करते, ठीक है। इलैक्ट्रीकल मतलब बिजली, लाइट का मतलब तुम्हें पता लाइट एनर्जी, तो उन्होंने आप कहने LED जो अजक यूज़ होंगी है, उस तो बाद आता है नॉन एमएसिव डिस्पले। नॉन एमएसिव का मतलब क्या दैट कन्वर्ट सनलाइट और एनी अदर लाइट इन टू ग्राफिक, जी सूरज की रोशनी, सूरज की लाइट में यह की सीधी इलैक्ट्रीकल बिजली जो लाइट के कन्वर्ट करता वो LED होंगे, जोड़ा सूरज की रोशनी ग्राफिक्स के
कन्वर्ट करता है उन्होंने आप कहने नॉन एमिसिव डिस्प्ले। अजक 80-90% एल ई डी ही चलन लग गया, एल सी डी का जमाना की हो गया बंद हो गया क्योंकि यह वेट के एल ई डी तो भारी होंगे सगिया तो यदि जी क्वालिटी है वह एल ई डी तो घट्ट होंगी सी करके आप अजक यूज़ करते ही एमिसिव डिस्प्ले यूज़ करते हाँ। सो नैक्सट जो अपने को आउटपुट डिवाइस आती है वह नाम की है अपने को प्रिंटर, जो कम प्रिंटर कर प्रिंट करता जो पेपर के उत्ते प्रिंट करता उन्होंने आप कह दें प्रिंटर कह दें। सब तो पहले ये यूज टू प्रिंट द इनफॉर्मेशन, कोई भी इनफॉर्मेशन प्रिंट करने आप यूज़ करते हैं सिंपल प्रिंटर का यूज़ करते हैं। डी पी आई तो पी पी एम की है, देखो डी पी आई की होंगे डॉट्स पर इंच पेपर का सब तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो पी पी एम की है पेज पर मिनट, पेज पर मिनट। हुण एग्जाम्पल देखो डॉट्स पर इंच का मतलब की है, एक किस चीज़ को दर्शाता है क्वालिटी भी अपने को प्रिंटिंग की क्वालिटी की है भी कोई वधिया प्रिंट हो रहा है या कोई माड़ा प्रिंट हो रहा उन्होंने आप कहने डॉट्स पर इंच के नाल आपां नूं देख रहे भी किन्ने डॉट्स ने एक पर इंच दे विच। जे मैं कहाँ पेज पर मिनट का मतलब की है भी एक मिनट के विच किन्ने पेज वो प्रिंट कर रहा, यह किसनूं दर्शाता है, यह क्वांटिटी दर्शाता, स्पीड में दर्शाता। तो पेपर से आंदा प्रिंटर की स्पीड की है, स्पीड किवें मापी जाती है पी पी एम के, क्वालिटी किवें मापी जाती है डॉट्स पर इंच के, क्वालिटी मापी जाती है तो यदि क्वांटिटी किवें मापी जाती है पेज पर मिनट के नाल, ठीक है। अजक प्रिंटर की क्वालिटी क्वांटिटी एदा मापी जाती है पेज पर मिनट के हिसाब से, ठीक है जी। सो अगे अपने को इंपैक्ट तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, जे तो मैं गल करा अपने को पेज है, अपने को एक पेज है ये उत्ते जे कोई चीज़ टच कर रही है फिजिकली टच कर रही है, जिमें मैं तुम्हें दसा कि उत्थे कोई कुड़ी जा रही है मैं उन्होंने हाथ लाता, जिमें दलजीत का गाँव से होया कि जो नचती की बाह फटती डाका ता नहीं मारिया, गलत गल है कोई नच रहा बेचारे नचन दो। सो उन्होंने हाथ ला लिया वह की हो गया इंपैक्ट भी उन्हें एक फड़ लिया टच कर लिया फिजिकली, पर नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कि होंगे ने जो आप टच नहीं करता, जो आह कोई भी अपने को पेज है उन्होंने फिजिकली कोई भी चीज़ टच नहीं कर रही, फिजिकली का मतलब जिमें मैं कह कि मैं तेन अखा देखी जाना, अखा देखी जाना मैं टच तो नहीं कर रहा, ठीक है। अजक कहें अखा स्कैन करते हैं पर देख रहा है कला, ठीक है, वह कला देख रहा है तो उन्होंने आप कहने नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, जिथे फिजिकली टच नहीं होंगे पेज के उत्ते कोई भी चीज़, एक ही होंगे ने हैड होंगे ने, ठीक है जी, ये प्रिंटिंग हैड होंगे ने जोड़े पेज के उत्ते की लगते हैं डायरैक्टली टच करते हैं, ठीक है। पेज के उत्ते रिबन होंगे सारा कुछ अगे होगा, एक रिबन होंगे कम किमें करता देख लो, इतने एक पेज हों एक रिबन होंगे, रिबन के उत्ते टक टक जी आवाज़ आती है थोड़े स्वयं सुनी होगी टक टक की आवाज़ आती है रिबन के उत्ते, रिबन तो बाद थले की होंगे कोई भी अखर प्रिंट होंगे, तो यह काम होंगे इंपैक्ट का इंपैक्ट प्रिंटर का। तो जे मैं कह यह एक पेज है तो ये उत्ते की है सिर्फ लेज़र, कोई भी लेज़र या लाइट पैंती है वो की होंगे इतने प्रिंटिंग हो जाती है, फिजिकली टच नहीं होंगे सिर्फ लेज़र नाल प्रिंटिंग होंगी, उन्होंने आप कहने नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। तो इतने की लिखा इंपैक्ट प्रिंटर प्रिंटर्स इंपैक्ट प्रिंटर प्रिंट द करैक्टर्स बाय स्ट्राइकिंग दैम ऑन द रिबन, स्ट्राइकिंग का मतलब टक टक करना, विच इज़ द प्रेस्ड ऑन द विच इज़ दैन प्रेस्ड ऑन द पेपर, जो पेपर के उत्ते जिमें पेपर है ये उत्ते हो रहा प्रेस हो रहा कोई चीज़ प्रेस हो रही है स्ट्राइक के नालू की कहने आप इंपैक्ट प्रिंटर, जिथे फिजिकली टच हो रहा है। तो उस तो बाद की होंगे नॉन इंपैक्ट होंगे ने, नॉन इंपैक्ट के होंगे वो फिजिकली टच नहीं होंगे वो अगे आऊगा। सो ये सब तो पहला की है इंपैक्ट प्रिंटर की टाइप कि करैक्टर प्रिंटर तो लाइन प्रिंटर, करैक्टर का मतलब क्या कला कला करैक्टर प्रेस होंगे कला कला टक 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 टक, तो ये लाइन प्रिंट होंगी टू टू ए करके आवाज़ आती है कदम कदम, ठीक है। सो पेपर से आता डॉट मैट्रिक्स तो डेजी व्हील किस तरीके के प्रिंटर ने करैक्टर प्रिंटर ने, डॉट मैट्रिक्स उन्हें देखा होगा तुम जो डॉट मैट्रिक्स की आउटपुट देखते हो, जो तुम डॉट मैट्रिक्स की आउटपुट देखो तो वह यह कुछ जी होंगी, जिम्मे मान लो उन्हें दो लिखना तो वह दो इदा लिखूगा, उन्हें तीन लिखना तो वह तीन इदा लिखूगा कुछ, ठीक है। तो यह डॉट मैट्रिक्स की आउटपुट होंगी, डेजी व्हील की भी कुछ कुछ इदा ही आउटपुट होंगी है, ठीक है। डेजी व्हील एक गोल तरीके का व्हील होंगे बारे थोड़ा डीपली नहीं आता मैं इन्ना की आऊगा करैक्टर प्रिंटर कि होंगे डॉट मैट्रिक्स से डेजी व्हील की अपने को करैक्टर प्रिंटर है। उस तो बाद लाइन प्रिंटर जो एक टाइम के उत्ते लाइन प्रिंट करते हैं उन्होंने आप कहने लाइन प्रिंटर, यह भी कि है इंपैक्ट प्रिंटर की है जिमें कि ड्रम प्रिंटर से चेन प्रिंटर, यह दोनों की टाइप्स ने लाइन प्रिंटर दियाँ। हूँ जे मैं कह इतने करैक्टर है तो सी पी एस पेपर चाहता है सी पी एस की फुल फॉर्म की होंगी है तो सी पी एस की होंगी है करैक्टर पर सैकेंड, भी एक सैकेंड के किन्ने करैक्टर वह टाइप कर रहा उन्होंने आप कहने सी पी एस, तो एक होंगे एल पी एस लाइन पर सैकेंड,
ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਨ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੀ ਪੀ ਐਸ ਅਤੇ ਐਲ ਪੀ ਐਸ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਮਾਪਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਨੋਨ ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਨੋਨ ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੇਜ ਪਿਆ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਪੇਜ ਪਿਆ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੁਝ ਵੀ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਡਰਦਾ ਟੱਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਟ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਲੇਜ਼ਰ ਮਾਰਦਾ ਕੋਈ ਬੀਮ ਮਾਰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਪਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨੋਨ ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਸਪਰੇ ਐਂਡ ਲਾਈਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪਰੇ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਲਾਈਟ ਹੋਊਗੀ ਨੋ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਰਿਵਰ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰਾਈਕਿੰਗ ਹੈੱਡ ਸਟ੍ਰਾਈਕਿੰਗ ਹੈੱਡ ਉਹੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਹਥੌੜੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆ ਪੇਜ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਇਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੇਜ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਲਾਈਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਟ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੇਜ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਪੇਜ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਪੇਜ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹ ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਮਿਲੂਗਾ ਇੰਕਜੈੱਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਕਜੈੱਟ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਇੰਕਜੈੱਟ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕਲਰ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਲਰ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਰ ਆਰ ਜੀ ਬੀ ਰੈੱਡ ਗ੍ਰੀਨ ਬਲੂ ਰੈੱਡ ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਬਲੂ ਹੈ ਜੀ ਬਲੈਕ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਰੈੱਡ ਗ੍ਰੀਨ ਬਲੂ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ ਰੈੱਡ ਗ੍ਰੀਨ ਬਲੂ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਰਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਰੈੱਡ ਗ੍ਰੀਨ ਬਲੂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਲਰ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਲਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਲਰ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਕਲਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਸੋਰੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੀ ਆ ਮੋਨੀਟਰ ਦੀ ਤਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਨੀਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 42 ਇੰਚੀ ਆ 32 ਇੰਚੀ ਆ 40 ਇੰਚੀ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਾਪਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਮੋਨੀਟਰ ਦੀ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਇਗਨਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਆਫ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਆ ਉਹਦੀ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੇ ਉਹ 42 ਇੰਚੀ ਹੈ ਤਾਂ 42 ਇੰਚੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ 42 ਇੰਚੀ ਹੋਊਗਾ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਪਲੋਟਰ ਪਲੋਟਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਬਸ ਇਹ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਪਲੋਟਰ ਜਿਹਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਪਲੋਟਰ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੈਕਟਰ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟਰਮ ਹੈ ਵੈਕਟਰ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਕਟਰ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋ ਗਏ ਮੈਪਸ ਹੋ ਗਏ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਲੂਪ ਹੋਲ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੋਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੋਊਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਮਨੀ ਹਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਸਟ ਹੈ ਹੀਸਟ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਕਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਲੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਕਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਬਲਮ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਚਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਂਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਤੇ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਬਲਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਗ੍ਰਾਫ ਮੈਪ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਫਲੈਕਸਿਸ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਫਲੈਕਸਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਲੋਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਲੋਟਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਡਰਮ ਪਲੋਟਰ ਅਤੇ ਫਲੈਟ ਬੈੱਡ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪਲੋਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਰਮ ਪਲੋਟਰ ਅਤੇ ਫਲੈਟ ਬੈੱਡ ਪਲੋਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਫਲੈਟ ਬੈੱਡ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਲ ਫਲੈਟ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਡਰਮ ਪਲੋਟਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਡਰਮ ਵਾਲੀ ਫਲੈਟ ਬੈੱਡ ਸਿੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਰ ਪੇਪਰ ਦਾ ਮੋਸਟ ਅਗਲਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪਲੋਟਰ ਤੋਂ ਕਿ ਪਲੋਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਚਾਰ ਕਲਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿਆਨ ਮਜੰਟਾ ਯੈਲੋ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਸਿਆਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਿਆਨ ਦੇ ਵੀ ਸਿਆਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਮਜੰਟਾ ਹੁੰਦਾ ਯੈਲੋ ਹੁੰਦਾ ਬਲੈਕ ਹੁੰਦਾ ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਪੀਚ
ਕਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੀਚ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਮੇਰੀ ਕਲਰ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨੌਲੇਜ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਬੀ ਪਿੰਕ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਰਡ ਪਿੰਕ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਡਲਟ ਪਿੰਕ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ 'ਚ ਚਾਰ ਕਲਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਲੋਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਚਾਰ ਕਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਮਜੱਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਯੈਲੋ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਹਰਾ, ਨੀਲਾ, ਪੀਲਾ, ਕਾਲਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਲਕੇ ਮੋਟੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਆਟੋ ਕੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਕੈਨੀਕਲ ਟ੍ਰੇਡ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਆਟੋ ਕੈਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਪਲੋਟਰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਟੋ ਕੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਕੈਨ ਕਨਵਰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਟੂ ਆਪਟੀਕਲ ਸਿਗਨਲ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲਾਈਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲਾਈਟ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਟੀਕਲ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਿਹਾ, ਆਪਟੀਕਲ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ, ਲਾਈਟ ਨਾਲ, ਵੀ ਆਪਟੀਕਲ ਦੇ ਲਵੇ ਦਵੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾਈਟ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੀਪੀਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਥ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪੀਪੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਟੀਚਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਨੋਰਮਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਟੀਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੋਲਦਾ ਲਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਉਹ ਟੀਚਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਯੂਜ ਇਨ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਫਿਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਮੂਵੀ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ, ਲੈਂਪ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਅਤੇ LED ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ LED ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਨੇ। ਲੈਂਪ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਪ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਪ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਝੜ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਝੜਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਮੀਨ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਝੜ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਝੜ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਲੈਂਪ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਪੀਕਰ, ਹੈੱਡਫੋਨ, ਈਅਰਫੋਨ ਅਤੇ ਈਅਰਬਡ। ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਾਈਨਰ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਦੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕੈਨ ਚੇਂਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਟੂ ਆਡੀਓ ਸਿਗਨਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਪੀਕਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੈੱਡਫੋਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਈਅਰਫੋਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਈਅਰਬਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਆਡੀਓ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਨੂੰ ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਈਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਡੀਓ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਡੀਓ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਬਦਲਦਾ, ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ, ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਆਡੀਓ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਬਦਲਦਾ, ਹੈੱਡਫੋਨ ਜਾਂ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਸਪੀਕਰ ਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਹੈੱਡਫੋਨ ਜੋ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈੱਡਫੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਈਅਰਫੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਈਅਰਬਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਇਕੱਲਾ ਕਿ ਜੋ ਸਪੀਕਰ ਆ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਆਡੀਓ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕ ਹੈੱਡਫੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੈੱਡਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹੈੱਡਫੋਨ ਆਹ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਅਦਰ ਮੋਡਮ ਅਤੇ NIC ਕਾਰਡ। ਅਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਅਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਨਪੁੱਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਲੱਸ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੇ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁੱਟ ਅਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਨਪੁੱਟ ਅਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਡਮ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਮੋਡਮ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੀਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ। ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੀਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਦੋਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਇੱਕ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਦੋ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਜੀਟਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ, ਐਨਾਲੋਗ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ 01 01 01, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨਲ। ਜੇ ਮੈਂ 0 ਨੂੰ ਥੱਲੇ, ਇਹਨੂੰ 1 0 1 0 1 1 ਇਹ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਐਨਾਲੋਗ ਸਿਗਨਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨਲ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ
एनालॉग सिग्नल होंगे। ये बारे बहुत बड़ी बड़ी बुक्स होंदिया ने, बहुत बड़े बड़े लैक्चर होंगे, जे किसी ने पढ़ना हो एनालॉग ते डिजिटल सिग्नल दे विच कला फर्क ही बहुत लंबा पूरी घंटे घंटे की वीडियो बन जाती है, आपां ओड्डी दूर नहीं जावांगे। ऐ समझ के रखो डिजिटल सिग्नल की होंदा, सिर्फ दो स्टेट दे विच होंदा, जीरो ते वन, ते एनालॉग सिग्नल अपने कोले आ वाली चीज़ है, पूरी दुनिया अपनी की है इस टाइम एनालॉग है, बट जिहड़ा भी डिजिटल काम हो रहा है कंप्यूटर ते जो भी काम हो रहा वो सिर्फ डिजिटल दे विच हो रहा, बाकी दुनिया एनालॉग है। सो डिजिटल नूं एनालॉग से कन्वर्ट करने लई आपां की यूज़ करदे आ, मॉड्यूलेशन, ते एनालॉग नूं डिजिटल से कन्वर्ट करने लई आपां की यूज़ करदे आ, डीमॉड्यूलेशन। ठीक है जी, पेपर च आंदा है कि डिजिटल नूं एनालॉग दे विच बदलन लई, डिजिटल नूं एनालॉग दे विच बदलन लई आपां की यूज़ करदे आ, मॉड्यूलेशन, ते एनालॉग नूं डिजिटल से बदलन लई आपां की यूज़ करदे आ, डीमॉड्यूलेशन। पेपर का आही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मॉड्यूलेशन ते डीमॉड्यूलेशन चों इक तां इहदी फुल फॉर्म की है मॉडम की, ते डिजिटल टू एनालॉग मॉड्यूलेशन कहलाउंदी है, एनालॉग टू डिजिटल डीमॉड्यूलेशन कहलाउंदी है। इहनूं कदे कदे इनकोडिंग ते डिकोडिंग भी कह देंदे ने, इहनूं कदे कदे इनकोडिंग ते डिकोडिंग भी कह देंदे ने। उस तों बाद आउंदा अपने कोल एनआईसी कार्ड, एनआईसी कार्ड, सब तो पहला एनआईसी कार्ड की जो मैं फुल फॉर्म की गल करा, तो यदि फुल फॉर्म की होंगी है नैटवर्क इंटरफेस कार्ड। यदि सब तो बेस्ट एग्जाम्पल थोड़ा समझ आ जूगी डोंगल, देखिए किसी ने डोंगल जो थोड़े कंप्यूटर के नैट चलाना होंगे बाय सिम के नाल, सिम पा के नैट चलाना होंगे तो तुम की करते, एक डोंगल खरीदते सिम पाया उन्होंने की करते कंप्यूटर के ला आते, हूँ थोड़ा कंप्यूटर की करता स इंटरनेट नाल कनैक्ट हो गया, इंटरनेट नाल क्यों कनैक्ट होया उस डोंगल के करके, उस डोंगल करके वह इंटरनेट नाल कनैक्ट होया, तो मतलब उस डोंगल ने की करता थोड़े कंप्यूटर नूं बाहरली दुनिया नाल कनैक्ट करता, थोड़े कंप्यूटर नूं बाहरली दुनिया नाल कनैक्ट करता। हुण जे बाहरली दुनिया तक डाटा आंदा तो थोड़ा एनआईसी कार्ड की बन गया इनपुट डिवाइस, जे बाहरली दुनिया तक डाटा जाता उन्होंने आपां की कहता आउटपुट डिवाइस, तो जी एनआईसी कार्ड है वह की है इनपुट डिवाइस भी हो जाती है तो आउटपुट डिवाइस भी हो जाती है। ग्राफिक कार्ड हो गया, ग्राफिक कार्ड भी यदि एक बहुत वधिया एग्जाम्पल है एनआईसी कार्ड की। ठीक है, ये सारे एनआईसी कार्ड होंगे, पेपर चाहता है लगे कितने होंगे ने, यह मदरबोर्ड से लगे होंगे ने, कितने लगे होंगे ने जी, ये मदरबोर्ड के उत्ते लगे होंगे ने। ठीक है जी, मॉडम तो एनआईसी कार्ड, तो तीजी मैं थोड़ा दसती कि टच स्क्रीन, ये की ने, यह वो डिवाइसिस ने जिड़िया की ने अपने को अपने को इनपुट तो आउटपुट दोनों तरीके का काम कर दें। इस तो अलावा साढ़े होर कोर्सिस की जानकारी लिए तुम स्टडी अफेयर का जोड़ा ऐप है वह डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है जी, सो ये ही की है अपना अज का लैक्चर समाप्त होंगे, मैं उम्मीद करता कि थोड़ा यह लैक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, थैंक यू, कीप लर्निंग, जिथे भी थोड़ा हैल्प की लड़ है तो सू बेझिझक होकर कंटैक्ट कर सकते हो, सा टीम सू जिथे मर्जी कर सकते हो, क्लियर है, थैंक यू वेरी मच।